Hello everyone, welcome to another video of your ETP. Today we will know about the application of funds. Application means outflow of funds during the current year. The application of funds may be from the following. Application of funds ka matlab hai ki jo funds jo already organization mein hai wo organization se jab bahar jane lagti hai तो उसे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहते हैं। मतलब कुछ खरीदने के बाद में जो कैश है वो ऑर्गेनाइजेशन से या बिजनेस से बाहर चली जाती है, उसे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहते हैं। और कहां कहां से पैसे बिजनेस के अंदर से बाहर जा सकते हैं वो किस इस तरह से है। सबसे पहला है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। द फंड रिसीव्ड मे बी लॉस्ट इफ देयर इज अ लॉस और बिजनेस ऑपरेशन हैव बीन अनसैटिस्फैक्टरी। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन रिड्यूसेस फंड्स। कुछ बिजनेस, कभी कभी बिजनेस में कुछ कुछ डील्स ऐसे हो जाते हैं जहां वो सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं, और बिजनेस में वो डील्स जो होते हैं जिस तरह से उनको प्रॉफिट चाहिए उस तरह से वो नहीं हो पाते, एंड उसमें कभी कभी कुछ नुकसान होते हैं जिसके लिए जिसकी भरपाई वो कैश देके या कहीं और कुछ दूसरे कैश के तरह से उसको पूरा करते हैं। सो इस तरह से जब किया जाता है तब क्या होता है कि कैश जो है बिजनेस के अंदर में वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो जाता है, तो इसे भी हम लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। मतलब बिजनेस करते वक्त फंड्स कम हो गए हैं, बिजनेस सेटिस्फाइंग नहीं रहा, जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, इसकी वजह से लॉसेस आ गए थे, तो काफी फंड उसमें कम हो गया। तो दिस इज नोन एज लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स इन कैश फंड्स आर पेड फॉर एक्वायरिंग, हेंस इट इज एन एप्लीकेशन। जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो कई बार फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए कैश का पेमेंट किया जाता है। जब कैश पेमेंट हो रहा है और एसेट्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं लेकिन कैश बिजनेस के अंदर से बाहर जा रहा है, इस तरह के सिचुएशन में भी, इस तरह के सिचुएशन को भी एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, जहां फिक्स्ड एसेट खरीदने की वजह से कैश खत्म हो गया है, निकल गया बिजनेस के अंदर से। नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स। When redeemable shares and debentures are redeemed, including premium, is also an application of fund. Shares और debentures के लिए काफी सारे पहले apply किया जाता है, तो काफी सारे funds वहाँ से आते हैं, लेकिन कुछ shares redeemable होते हैं, मतलब उन्हें वापस वो ले लेते हैं। जो shares में जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो लगाना नहीं पसंद करते और अपने पैसे की return चाहते हैं। तो इस condition में जब company उनके पैसों को return करती है, even the premium amount भी, then that is also an application of fund, क्योंकि यहाँ पे cash business के अंदर से बाहर चला गया। Next है repayment of long term loans. When long term loans are repaid in an application and working capital is reduced, कभी कभी long term loans को repay कर दिया जाता है कुछ पहले या किसी भी condition में। जब long term loans को repay किया जाता है तो working capital कम हो जाता है, इससे भी हम एप्लीकेशन ऑफ फंड ही कहते हैं। कहां से फंड कल चला गया ना, कैसे गया, लॉन्ग टर्म लोन्स की रिपेमेंट की वजह से वर्किंग कैपिटल कम हो गया था। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड डिविडेंड्स। इफ द प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स आर ट्रीटेड एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दीज आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जब बिजनेस में प्रोविजन टैक्स पे करना है का जो प्रोविजन होता है उसे रखते हैं, एंड प्रपोज डिविडेंड्स जो डिविडेंड्स देने हैं इनको अगर नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में इंक्लूड किया जा रहा है, देन दे आल्सो विल कम अंडर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बिकॉज़ यू हैव टू पे दोस टैक्सेस एंड डिविडेंड्स, एंड व्हेन यू आर पेइंग द टैक्सेस एंड डिविडेंड्स योर फंड्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, आपके फंड्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर्स। If the funds are withdrawn by proprietors for personal use, it is an application of fund. जब proprietors जो होते हैं, business के owners जो entrepreneurs होते हैं, वो business में से अपने personal use के लिए कुछ payment निकाल लेते हैं या कुछ पैसे अपने fund से निकालते हैं business के अंदर से, तो वो personal use के लिए चूंकि वो निकाल रहे हैं इसीलिए उसे भी application of fund ही कहते हैं, क्योंकि वहां पे भी cash जो है वो कम हो जाता है। Next is depreciation a source of fund? अब हम देखते हैं depreciation के बारे में। हम सब जानते हैं accountancy पढ़ते वक्त कि हर asset का depreciation निकाला जाता है। तो depreciation जो निकाल रहे हैं वो source of fund होगा या application of source of fund होगा या नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है।
लेट अस डिस्कस ऑप्शंस ऑफ कंसीडरिंग डिप्रिसिएशन अ सोर्स ऑफ फंड और नॉट। पहले हम देखते हैं डिप्रिसिएशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। दोनों ऑप्शंस होते हैं, कुछ आप वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है या किस ओपिनियन से उसको ले रहा है। अगर वो उसको सोर्स ऑफ फंड के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट कर रहा है या एप्लीकेशन ऑफ फंड के अकॉर्डिंगली। नॉन सोर्स ऑफ फंड होगा जब उसे एप्लीकेशन के अनुसार काउंट किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं डिप्रिसिएशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, उस एंगल से जब कैलकुलेशंस किए जाते हैं जहां ये माना जाता है कि डिप्रिसिएशन जो है वो सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो वो किस कंडीशन में इस तरह से माना जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स आर नॉट करंट, दे आर नॉट करंट अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन इज नॉट अ करंट अकाउंट, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ फंड। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन करंट अकाउंट में नहीं दिखाया जा रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट माना जाता है, जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन करंट अकाउंट में नहीं होने की वजह से इसको मना किया जाता है। तो इसीलिए ये हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट है The depreciation is back to profit to determine the actual working capital and does not affect working capital. It cannot be considered as source of fund. Depreciation is back to profit means it determines the actual working capital क्या है ये बताता है and इसकी वजह से depreciation निकालने की वजह से working capital में कोई difference नहीं आता है। क्योंकि working capital में कोई difference नहीं आता इसीलिए source of fund नहीं हो सकता, क्योंकि सोर्सेस ऑफ फंड्स में जो भी अमाउंट्स आते हैं वो सारे वर्किंग कैपिटल में रहते हैं एंड चूंकि डिप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल में नहीं रहता है सो दिस इज आल्सो नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। इस तरह के कैलकुलेशन से करने से वो सोर्स ऑफ फंड नहीं कहा जाता है। अगर आप इस तरह से देखिएगा, अगर आप उसको देखते हैं डिप्रिसिएशन को तो प्रॉफिट के पीछे रखा जाता है एंड उसे वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं डाला जाता, इसीलिए ये सोर्स ऑफ फंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड। आगे ऐसे भी आइडियाज है या ऐसे भी वे में कैलकुलेट किया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली डिप्रिसिएशन को सोर्स ऑफ फंड माना जा सकता है। अब वो किस तरह से है, व्हाइल चार्जिंग द डिप्रिसिएशन अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू फर्म इज नॉट पेइंग कैश टू आउटसाइडर्स दस फर्म सेव्स द कैश एंड दस अ सोर्स ऑफ फंड। जब डिप्रिसिएशन सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है तो फर्म जो है वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट बाहर कहीं नहीं दे रही है, अपने फर्म के अंदर ही उसको सेव कर रही है और कंपनी जो है अपने फर्म के अंदर उसको कैश के में सेव कर रही है। तो अगर कैश में सेव हो रहा है दैट मींस इट्स अ सोर्स ऑफ फंड। अगर उस तरह से देखते हैं कि सेल्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली देखा जाता है, सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट में जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं देन इट इज नॉट गोइंग टू बी पेड टू अदर्स so the other companies, so this is a source of fund. Then the next point is income tax liability is reduced by a charge of depreciation and money is saved by way of tax can be treated as source of fund. इसके बाद में एक और point क्या होता है, depreciation में tax की जो liability, income tax जो की liability जो है वो depreciation पे charge नहीं की जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर में सेव किया जो डिप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज किया सेव किया गया है, इसका मतलब है कि टैक्स वहां पे उसको बाय वे ऑफ टैक्स में बस सेव करने के लिए उसको किया गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सोर्स ऑफ फंड। यहाँ बहुत क्लियरली दिखाया जा रहा है इनकम टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड, इनकम टैक्स जो पे करना होता है वो डिप्रिसिएशन चार्जेस अलग से मनी को निकाल के रखने की वजह से डिप्रिसिएशन पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो अमाउंट बच जाता है। तो इसीलिए इसे सोर्स ऑफ फंड कहा जा सकता है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन इज अ सब्स्टिट्यूट चार्जेस इन केस ऑफ ओइंग द एसेट व्हिच कुड हैव बीन रिजल्टेड इन आउटफ्लो एज रेंट एंड बाय एसेट ओइंग दिस इज सेविंग एंड कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम। अगर डिप्रिसिएशन किसी एसेट के ऊपर में जब हो रहा है तो एसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास होने की वजह से फ्लो जो रेंट पे उस एसेट को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस मशीनरी को रेंट पे नहीं ला रहे हैं तो रेंट का अमाउंट बच रहा है
इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक मशीनरी है जो एक प्रॉपर्टी बनती है, तो इन दोनों ही जो एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से, उस मशीनरी की वजह से इनकम का जरिया एक वो बन जाती है मशीनरी। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन, इस तरह से देखा जाए तो डिप्रिसिएशन को हम सोर्स ऑफ फंड कह सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इन मैन्युफैक्चरिंग करंट अकाउंट इंक्लूड्स क्लोजिंग इन्वेंटरीज एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दिस एक्ट्स एज सोर्स ऑफ फंड। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देखा जाए तो करंट अकाउंट में क्लोजिंग इन्वेंटरीज, जो क्लोजिंग करते वक्त जो भी उनके स्टॉक में है, इन्वेंटरीज जितने हैं, उन सबको वैल्यू करके क्लोजिंग इन्वेंटरी में डाला जाता है, जहां फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स को भी डाला जाता है। इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट हम लोग ऑलरेडी डिप्रिसिएशन के नाम से इन्वेंटरीज में डाल के रखे हैं, जिस वजह से वो अमाउंट जो है वो सेविंग्स में चला गया है, तो इस तरह से तो वो भी सोर्स ऑफ फंड कहलाया जा सकता है। इस तरह से डिप्रिसिएशन सोर्स ऑफ फंड में भी आएगा एंड एक सोर्स ऑफ फंड नहीं है इस कैटेगरी में भी आता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।